अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। टुडे वी विल लर्न अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। डेफिनेशन ऑफ द टेंस इज द टेंस व्हिच इज यूज्ड टू टॉक अबाउट फॉर एक्शंस व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन द फ्यूचर इज कॉल्ड द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसे कामों के मुतालिक बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एक अरसे तक जारी रहें और इनका इख्तिताम मुस्तकबिल में ही हो। लिसन मी केयरफुली स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है जो मैं आपको बताने लगी हूँ। ऑफन स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कंटीन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। कंटीन्यूअस टेंस की भी उर्दू में पहचान यही है कि उसके एंड में रहा रही, और परफेक्ट कंटीन्यूअस के भी एंड में रहा रही वगैरह आता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। वो अप्रैल में घर तामीर कर रहे होंगे, दे विल बी बिल्डिंग अ हाउस इन अप्रैल। ये सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। वो अप्रैल से घर तामीर कर रहे होंगे, दे विल हैव बीन बिल्डिंग अ हाउस सिंस अप्रैल। और ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, बिकॉज जिस सेंटेंस में डेट के साथ से आता है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस है। पहला फिक्रा द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और दूसरा फिक्रा द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें मुस्तकबिल में काम के शुरू होने का वक्त दिया गया है। इस टेंस में शेल या विल हैव बीन के बाद वर्ब आईएनजी इस्तेमाल की जाती है। उर्दू में पहचान इस टेंस की उर्दू में पहचान ये है कि इन फिक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। इसके साथ टाइम का भी जिक्र होता है और टाइम के साथ क्या होता है, से होता है। ये जैसा कि 2 बजे से, 3 बजे से, शाम से, सुबह से, अप्रैल से, मई से, 2018 से, एटसेट्रा। इस टेंस में दो तरह का टाइम बताया जाता है, काम के शुरू होने का वक्त जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, काम की मुद्दत या अरसा यानी पीरियड ऑफ टाइम, और इस के लिए हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस तस्दीकी फिक्रात या सादा फिक्रात या मस्बत फिक्रात जो है उनके लिए जो मेथड है हम यूज़ करते हैं वो है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। फॉर एग्जांपल, मैं मार्च से इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन मेकिंग प्रेपरेशन फॉर द एग्जाम्स सिंस मार्च। I subject shall have been helping verb making verb ing preparation for the exams object since point of time march time। लड़के 2 घंटे से मछलियाँ पकड़ रहे होंगे। The boys will have been catching fish for 2 hours। Negative sentences, इस टेंस के sentences को negative बनाने के लिए will shall के बाद not और इसके बाद have been लगाते हैं। मेथड इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। एग्जांपल्स आर, वो 7 बजे से चाय नहीं बना रही होगी। शी विल नॉट हैव बीन मेकिंग टी सिंस 7 o'clock। शी सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन हेल्पिंग वर्ब मेकिंग वर्ब आईएनजी टी ऑब्जेक्ट सिंस पॉइंट ऑफ टाइम 7 o'clock टाइम। मामार 2 साल से हस्पताल तामीर नहीं कर रहे होंगे। द मेसन्स विल नॉट हैव बीन बिल्डिंग अ हॉस्पिटल फॉर 2 years। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इस टेंस के जुमलों को सवालिया यानी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। मेथड इज हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स आर, क्या लोग 1 महीने से पानी कुओं से निकाल रहे होंगे। विल द पीपल हैव बीन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल्स फॉर 1 month। विल हेल्पिंग वर्ब द पीपल सब्जेक्ट हैव बीन ड्रॉइंग वर्ब आईएनजी वाटर फ्रॉम द वेल्स ऑब्जेक्ट फॉर पीरियड ऑफ टाइम 1 month टाइम। क्या मिसिस अशरफ मई 2015 से कपड़े सी रही होगी।
Will Mrs. Ashraf have been sewing cloth since May 2015? Sentences for practice have been given in your assessment. Thank you.